अभी बज रहे हैं सुबह के 9, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी तो मैं थोड़ा सा लेट उठी, थोड़ा सा आराम से उठी। ये आज जो व्लॉग है वो एक नॉर्मल सा व्लॉग है जो सिर्फ इस घर में जाने वाला है। लाइक मैं कोई आउटिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब एक रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरा घर में जब भी एक डे ऑफ रहता है तो नॉर्मली जब बाहर जाना होता है उसके अलावा यही रूटीन है घर का। घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, यही सब है। सो आज का व्लॉग बस यही है, अ डे विद मी एट माय होम। एंड ऑफ कोर्स मैं घर का एक टूर भी दे दूँगी, थोड़ा सा हल्का सा। जैसे मैंने बताया कि शेयर्ड घर है बट स्टिल मैं टूर तो दे सकती हूँ, राइट? सो चलो फिर चलते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे भाई बहुत सारा काम करना है, चलो फिर चलते हैं। फटाफट से रेडी होते हैं एंड नीचे जाते हैं, अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, है ना? आती फेस पे क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता है। सो ये प्योर कोकोनट ऑयल है, सो यही एक चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कुछ यूज़ करना है तो वो है मेरा जॉनसन बेबी पाउडर। सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए एंड क्योंकि इसमें कुछ मिला नहीं हुआ है, ये प्योर बना हुआ है तो ये और अच्छा है, राइट? आप बताओ आप क्या लगाते हो अपने फेस पे? एंड सॉरी गाइस, मुझे ना ब्लॉगिंग आती नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जो मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। लाइक अभी नया नया चैनल बना है सो कहीं पे भी कुछ उठपटांग से लगे कि ये बड़ी अजीब सी है तो बस इग्नोर कर देना। सो ये रहा मेरा जॉनसन्स बेबी। इसके लगाने का मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, सो लाइक मैं थोड़ा सा आँखों के नीचे लगाती हूँ, इधर लगाती हूँ, थोड़ा सा नाक में थोड़ा सा जोकर बन जाते हैं हम, क्योंकि मेरे को मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ और सूट ही नहीं करता यार, पता नहीं हल्का हल्का सा मेकअप करने की कोशिश करते हो पर होता ही नहीं। कोई नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे ना। सो ये मैं हो गई रेडी। तो अब हम लोग चलेंगे हमारे डाउनस्टेयर्स में एंड मैं आपको एक बाहर से एक आउटलुक दिखा दूँगी, मतलब बाहर से एक लुक दिखा दूँगी कि घर कैसा दिखता है एंड किचन एंड पीछे थोड़ा सा गार्डन एरिया जहाँ पर गार्डनिंग करना भी बाकी है। लाइक पूरा घास बड़े बड़े हो रखे हैं, सो वो शायद जो लैंडलॉर्ड है वो कभी ना कभी तो कर ही देंगे। हाँ एंड देन रूम का टूर, राइट? सो ये है कुछ बाहर का लुक, राइट? ये मतलब ये है हमारा रोड एंड ये रहा हमारा घर। सो वो ऊपर वाला जो रूम है जिसकी खिड़की खुली हुई है वो हमारी है। सो यहाँ से हम इन करते हैं डोर जो कि मैंने खोला हुआ है।
एंड आई गेस यहाँ पे मेरा पार्सल आ रखा है, मैंने कुछ मंगाया था। ये अच्छा है ना, घर से निकलने से पहले मैं चेहरा देख लूँ। सो ये जो है ये ऊपर में स्टेयर्स है जहाँ से हमारा रूम शुरू होता है, एंड यहाँ से हमारा किचन है। सो ये किसी और का रूम है क्योंकि ये शेयर घर है। सो ये है जो ये एक छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ पे हमारे वैक्यूम क्लीनर एंड जो हमारी ग्रॉसरी बैग वो रहती है। एंड ऑफकोर्स ये भी किसी और का रूम है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा फ्रिज है, हमारे पास फ्रिज दो है। ये एक छोटा सा नीचे वाला बाथरूम एंड ये रहा किचन। सी सो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे इंडक्शन नहीं है, गैस है। सो मैं इसमें बैंगन का भरता बना सकती हूँ। एंड ये रहा कुछ ऐसा किचन का लुक। और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और ओवन दिया रखा है, टोस्ट है, टोस्ट मेकर, देन हमारे पास यहाँ पे मिक्सर है, देन हमारे पास केटल है। एंड यहाँ के जो कबर्ड्स है वो डिवाइडेड हो जाते हैं क्योंकि शेयर घर है, चिमनी दे रखा है। एंड यहाँ पे एक और फ्रिज है। और अगर यहाँ से जाए बाहर तो थोड़ा सा कबाड़ा मच रखा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है काफ़ी टाइम से। सो क्लीनिंग होनी बाकी है, आई होप जल्दी हो जाए। एंड ये गार्डन है, गार्डन कैसे तनाश हो रखी है क्योंकि यहाँ पे ना ठंडी में लोग उतना गार्डन यूज़ नहीं करते। सो गार्डन मतलब ऐसे ही रह जाता है, उतना केयर नहीं करते। बट अभी जैसी गर्मी आ गई है पीछे में उधर आप देख सकते हो ट्रेन जा रही है। सो जैसे ही ठंडी लाइक जैसे ही गर्मी आ जाएगी तो यहाँ पे जो लोग हैं गार्डनिंग करने लग जाएंगे। सो हम लोग हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने बोला था कि वो क्लीनिंग करवा देंगे। सो यहाँ पे छोटे छोटे से पॉट्स रखे हुए हैं एंड अगर कपड़े सुखाने हो तो कपड़े सुखाने की जगह वहाँ है। सो मौसम देखो वापस से बादल लग गए, यहाँ के मौसम का कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। खाने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे जहाँ पे हम लोग लंच की प्रिपेयर करेंगे, लंच एंड डिनर, क्योंकि मैं एक टाइम बनाती हूँ तो मेरा दो टाइम चल जाता है। उसके साथ साथ मुझे कपड़े भी धोने, मेरी कल नाइट शिफ्ट है, मुझे ड्रेस भी धोनी, मैंने अभी तक ड्रेस भी नहीं धोई है। उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर भी दे देती हूँ, मैंने आपको नीचे का पोर्शन दिखा दिया है, अभी मैं ऊपर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ एंड अपने रूम को भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग ऊपर आए, ऊपर आके यहाँ से हमारा बाथरूम है एंड देन यहाँ पे एक रूम है और वहाँ हमारा रूम है और उधर में एक छोटा सा स्टोर रूम काइंड ऑफ है। सो ये मेरा रूम, वहाँ पर मिरर लगा हुआ है। हाय। सो जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है एंड ये कबर्ड्स हैं जहाँ पे मैंने अपने सामान अरेंज कर रखे हैं। ऊपर कबर्ड, इस रूम में कबर्ड की कोई कमी नहीं है, वहाँ कबर्ड है, वहाँ कबर्ड है, यहाँ कबर्ड है एंड ये मिरर के पीछे भी कबर्ड है, उसके बाद वहाँ कबर्ड है, वहाँ कबर्ड है, कबर्ड ही कबर्ड है, कबर्ड ही कबर्ड है। एंड ये रहा मेरा बेड एंड उसके बाद वहाँ पे छोटा सा एक टेबल दे रखा है जिसका मैंने कबाड़ा मचा रखा है, सारी चीज़ें मेरी यहीं पड़े रहती हैं। अभी मैंने खाया था तो खाया ये, और मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं। सो मुझे सेंटेड कैंडल्स का बहुत शौक़ है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, कभी कभी जवाने के लिए हो जाता है। एंड यहाँ पर मेरी फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स है एंड ये गौतम बुद्ध जी एंड शिनचैन मेरा फेवरेट, एंड शिनचैन के कुछ कीचेन भी है। एंड ये मेरे कुछ कार्ड्स हैं जो मुझे मेरे पेशेंट्स ने दिए थे ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। एंड ऑफकोर्स यहाँ से तो बाहर का नज़ारा दिखता ही है। सो यही है छोटा सा रूम, इसको मैंने अभी ज़्यादा डेकोरेट किया नहीं है क्योंकि जो भी बोलो रेंट का घर रेंट होता है, राइट। बट स्टिल ये काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कबर्ड्स हैं, बीइंग अ गर्ल आपको बहुत सारी जगह चाहिए होती है सामान रखने के लिए। सो मेरे पास वो काफ़ी जगह है। तो अब चले फिर नीचे, मैं अपने कपड़े भी ले जाऊँगी नीचे, लॉन्ड्री बैग में रखे हैं एंड उसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। निकाल ली है मशरूम, ये रही मटर और यहाँ मैंने दो टमाटर और इसमें हरी मिर्च है और मैं निकालूंगी प्याज।
काम करके खाना वाना बना के और नीचे साफ़ सफाई करके आ गए अपने रूम। सो अब आ जाते हैं काम की बात को लेके, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये बात, जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट नहीं, मतलब एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे रिक्रूटमेंट को लेके बोला गया था। सो रिक्रूटमेंट की जो बात है ना, वो ये है कि टेंशन मत लो, रिक्रूटमेंट कभी रुकेगी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं रुकेगी, क्योंकि ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने भी बोली हुई है कि 2023 तक का उनका प्लान है कि लंदन को, लाइक यूके को, इंटरनेशनल नर्सेज पे जो डिपेंड हो रखा है वो ना हो। तो मतलब इंटरनेशनल नर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है या बंद करनी है, मतलब प्रॉपरली उनका ये प्लान है। बट मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ, अपना जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, जितनी नर्सेज की क्राइसिस हो रही है यहाँ पे अभी, उसको देख के मुझे नहीं लग रहा कि 2030 तो अब आ ही गया और 6 साल में, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना जल्दी अचीव हो पाएगा। हो जाता है तो फिर भी आपके पास 6 साल है, अगर 6 साल से पहले पहले आप यहाँ आ जाते हो तो। बट क्योंकि क्राइसिस बहुत ज़्यादा है एंड नर्सेज की यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सो डोंट वरी। अभी जो रिक्रूटमेंट स्लो डाउन हुई है वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है दोबारा से, कहीं का काफ़ी जगह पे ICU की एंड, बट ये है कि अभी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक्सपीरियंस वाले अगर सामने आएंगे तो वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स। सो जैसा मैंने पहले भी आपको एडवाइस दिया था कि आप अगर अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, अगर आप OET की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप एज अ फ्रेशर हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस साइड बाय साइड लेते रहो, ताकि आप उनको मौका ना दो आपको रिजेक्ट करने के लिए। सो एक्सपीरियंस भी लेते रहो, OET की तैयारी भी करते रहो। अगर आपने कर लिया है, सारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, CBT हो गया है, वेट कर रहे हो एंड इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, एंड अगर आप अभी भी फ्रेशर हो, वेट ही कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये वेट 1 महीना चलेगा कि 6 महीना चलेगा, सो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, अपनी जो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो लेते रहो, ताकि कल को जब आपसे कोई पूछे तो आपके पास रहे कि नहीं भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। सो ये मेरी तरफ से एडवाइस। बाकी जो ये जो NHS की रिक्रूटमेंट है, ये बहुत खुश, लाइक गुड न्यूज़ है कि जहाँ उन्होंने ये बोला कि 2030 तक जो जिस स्पीड से चल रही है रिक्रूटमेंट, वो स्पीड से चलती रहेगी, बट 2030 तक उनका प्लान है कि उसको कम करना, बंद कर देना है। सो अभी तो फिलहाल ये लोग डिपेंडेंट है इंटरनेशनल नर्सेज के ऊपर, सो ये लोग रिक्रूटमेंट बंद नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है, खाना वाना सब रेडी हो गया है मेरा। सो मैं ऐसे तो लंच नहीं करूँगी आज, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी जस्ट खाया था मैंने ब्रेकफास्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा काम, जो कि है मेरी क्लासेस, मुझे क्लासेस भी लेनी है। सो क्लासेस लूँगी 1-1.5 घंटे की, वो चलेगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, फिर शाम को जब टाइम हो जाएगा उठ के फिर डिनर कर लूँगी। क्लास खत्म हो गई है, अब बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और शाम भी हो गई है, लगभग 7:30-8 बजने वाले हैं। काफ़ी लंबी क्लास चल गई क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था। सो अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। सो रोटी मेकर है मेरे पास यहीं पे, तो मैं यहीं पे बना के यहीं खा लूँगी रूम में ही, एंड उसके बाद जाके मैं शायद मूवी देखूँ या बिग बॉस। तो मेरा बिग बॉस का बहुत बड़ा क्रेज़ है कि मैं पुराने सीज़न भी बार बार रिपीट पे देखती हूँ, तो हो सकता है मैं वो देखूँ एंड फिर मैं सो जाऊँगी। सो चलो फिर अब डिनर कर लेते हैं। बच चुके हैं, खाना हो गया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब टाइम है सोने का। सो होप कि आज का ये जो वीडियो था, ये जो व्लॉग था, आपको पसंद आए। आई नो ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अभी बस सीख ही रही हूँ, मतलब कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसी होती है, बट जैसे भी है बस यही है, आई विल इम्प्रूव, बस मुझे आपके सजेशन की ज़रूरत है। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स पर, एंड अगर आपको OET एंड OET से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो मुझे ज़रूर DM कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम की हैंडल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइप कर दूंगी, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि मैं OET की कोचिंग देती हूँ एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आपको OET की कोचिंग की ज़रूरत है, नीड है, या फिर अगर आपको एक डेमो सेशन चाहिए या वेबिनार अटेंड करनी है, तो भी आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी एंड जब भी हमारा डेमो होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी वहाँ से। हमारी जो एकेडमी है वो काफ़ी अफोर्डेबल है एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है इस एकेडमी में। आप अगर वर्किंग हो तो वर्किंग के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट एंड मॉर्निंग क्लासेस एंड इवनिंग क्लासेस के अकॉर्डिंगली क्लासेस लेते हैं हम लोग। सो बस अगर आपको ज़रूरत है
तो ज़रूर मुझे DM कीजिएगा। अदरवाइज़ मेरे चैनल को जैसा प्यार दे रहे हैं वैसा ही दीजिए, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू, बाय।